So hi and welcome to the Firefly Adda, your virtual conversation starter, a platform which showcases thought leaders who talk about topics of their expertise and bring out deep-rooted insights and some interesting pearls of wisdom. Today's episode is a little different and very special to me because this is the first time I'll be talking to our guest in our native language, Hindi. And though this is new to me, I will try my best and I'll actually, if at all I do falter, I'll actually seek your apology. So let me first introduce my guest for today. He's a co-founder of two marketing-based firms and an eminent expert in the areas of designing and content. Please welcome Mihir Gadhvi. Hi, Mihir, and welcome to the Firefly Adda. Thank you, Kushagra, मुझे invite करने के लिए firstly और मुझे ये opportunity देने के लिए. Thank you so much. आपके साथ तो मेरा association लगभग एक साल से चली रहा है, तो बहुत सारे projects हमने किए हैं साथ में, तो ये बहुत अच्छा opportunity है साथ में मतलब आने का और collaborate करने का, और ये बहुत ही अच्छा content हम बनाएंगे video पे. मेरे एक लगभग 5-6-7 या 8 सवाल हैं. So we'll just focus उस सवालों पे focus करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. और आज का जैसे topic है वो graphic designing और branding के ऊपर होगा, जिसमें आप बिल्कुल माहिर हैं. So we'll just begin the conversation by talking about आपके हिसाब से designing का क्या महत्व है. What is the meaning of designing to just for the benefit of our audience, can you actually define what designing or graphic designing really is? So basically designing का महत्व या importance कहाँ पे आता है कि वो basically आप कोई भी चीज को देखते हो या कोई भी चीज को visualize करते हो तो आपके eyes के through होता है. तो आपके eyes में अगर जो अगर कोई चीज को देखो आपके eyes में अगर बैठ गई है तो वो positive design हो गया है, वो अच्छी design हो गई. और जो चीज आपको देख के अच्छी नहीं लगती वो negative design हो गई. मतलब basically ये positive और बोलते हैं good या bad design बोल सकते हो आप. So basically आप designing का इतना importance होता है कि कोई brands flop या hit हो सकती है. कुछ अगर किसी की ब्रांडिंग किसी को अच्छी नहीं लगती तो वो प्रोडक्ट नहीं लेता, भले प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो. तो मेरे हिसाब से डिजाइनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. लाइक आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी फर्म को या अपने जो मोटिव है, आपका जो विजन है, तो उसको आप कैसे दिखाते हो लोगों को. तो ये या तो वो वर्बली होगा, कम्युनिकेशन के जो तरीके होते हैं, या तो विजुअली होगा. मतलब आप बोल के कर सकते हो या विजुअली कर सकते हो. लाइक टेक्स्ट है, डिजाइनिंग है, काफी सारे वीडियोस है. ये दो तरीके ही है कम्युनिकेशन के. तो डिजाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जहां पे आपको ज्यादा बोलना नहीं होता, या कुछ ब्रांड्स होती है ज्यादा बोलती नहीं है बट उनकी डिजाइंस बोलती है. तो आपने एक बहुत अच्छी बात की विजुअलाइजेशन के बारे में. सो विजुअलाइजेशन मेरे हिसाब से मतलब यही एक चीज है जिसमें इमोशंस भर के आते हैं. तो आपका ये कहना है कि डिजाइनिंग से आप इमोशंस बाहर लेके आते हैं, क्या ये सही कहना होगा? हाँ, मतलब काफी हद तक यही है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करना है. तो ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. डिजाइन मतलब क्या है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप अपनी फीलिंग्स अपने थॉट्स दूसरे को बताते हो. जैसे मतलब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, हर एक पॉलिटिक्स का या बोलते हैं हर एक पॉलिटिकल एजेंडे वालों का अपने अपने कलर्स होते हैं. या रिलीजन के भी आप देख लो, हर किसी ने अपने कलर्स डिवाइड कर दिए. क्यों किया है? क्योंकि हर किसी के पीछे एक ये है, मोटो है, एक ये है, क्या बोलते हैं, एक मैसेज है. जैसे कम्युनिस्ट लोग मोस्टली रेड कलर यूज करते हैं, नाजी जो हिटलर थे उनके कलर्स वैसे थे क्योंकि उनको वैसी उनकी आइडियोलॉजी वैसी थी. तो वो कलर काफी हद तक दिमाग पे बैठ जाते हैं. तो हर एक ब्रांड कलर के पीछे, हर एक डिजाइन या हर एक वर्ड के पीछे, या जो टाइपोग्राफी होती है उसके पीछे भी मीनिंग होता है. तो ये कहना सही होगा कि एक साइकोलॉजिकल खेल हो सकता है, ये कहना सही होगा, सही बात है? काफी हद तक मतलब जो फॉर एग्जांपल जो एनर्जी वाली ब्रांड्स होती है मोस्टली रेड कलर को यूज करते हैं. मतलब जो अपने आप को हम्बल दिखाना चाहते हैं या इको फ्रेंडली दिखाना चाहते हैं वो ग्रीन कलर यूज करते हैं. मतलब हर एक चीज के पीछे एक साइकोलॉजी होती है, हर एक कलर के पीछे एक साइकोलॉजी होती है. जैसे येलो है जो पॉजिटिविटी को दर्शाता है. जैसे मेरा आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, अभी मैंने हाल फिलहाल रेड यूज किया. मोस्टली जो मेरा Firefly सर्कल ब्रांड है, ज्यादातर मैं व्हाइट और ब्लैक और रेड पे ही निर्भर करता हूँ ज्यादातर. तो इस पे आपका क्या कहना होगा? मतलब आप पावर दिखा रहे हो, प्लस ब्लैक एंड व्हाइट होता है जो हर कलर के साथ मिक्स होता है. मतलब
ब्लैक एंड व्हाइट एक ऐसा कलर है जो बैलेंस को दिखाता है कि बंदा कितने हद तक बैलेंस है. तो ब्लैक एंड व्हाइट मतलब सबसे बेस्ट कलर है क्योंकि ये किसी की साइड्स नहीं लेता. और ब्लैक इज द मोस्ट लग्जूरियस कलर. एब्सोल्युटली मेयर, आपने बिल्कुल सही बात कही है क्योंकि यही मेरा भी सोचना था और उसी हिसाब से मैंने भी अपना ये ब्रांड बनाया है और उसी हिसाब से कलर स्कीमेटिक्स भी मैंने उसी हिसाब से चूज किए थे और द आउटपुट इज फॉर ऑल ऑफ यू टू सी. नाउ विल जस्ट क्विकली मूव अहेड मेहर और बात करेंगे मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी होता है ब्रांड परसेप्शन. आपने तो सुना ही होगा. तो ब्रांड परसेप्शन और डिजाइनिंग में क्या कनेक्शन है? आई मीन आई एम श्योर के ब्रांड परसेप्शन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू यू नो द डिजाइनिंग ऑफ द लोगो और द ब्रांड ऑफ द ब्रांड. एम आई राइट इन सेइंग दैट? सो व्हाट काइंड ऑफ यू नो इंग्रेडिएंट्स गोज इनटू यू नो क्रिएटिंग दैट डिजाइन फॉर दैट परसेप्शन टू बी क्रिएटेड फॉर अ गिवन ब्रांड? यू नो आर वी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्कीमेटिक्स? अभी जैसे अपने हमने अभी कलर की बात की तो इसमें पैटर्न्स भी आते होंगे, स्कीमेटिक्स क्या यूज करते हैं वो भी मतलब आता होगा, तो इसमें आपका क्या कहना होगा? सो बेसिकली ब्रांड परसेप्शन एक चीज हो गया, बट ब्रांड परसेप्शन होता क्यों है? ब्रांड पोजीशनिंग के लिए होता है कि ब्रांड अपने आप को मार्केट में एस्टेब्लिश करनी चाहती है, तो उसके पीछे एक परसेप्शन होता है, एक विजन होता है. सो वो चीजों के लिए मोस्टली क्या होता है ना कि एज इन स्टार्टिंग बिजनेस, जब कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इनिशियली किसी बोलते हैं लोकल डिजाइनर को हायर कर लेता है, तब वो चीजों का ध्यान नहीं लगाता है. बट एक बार जब वो कॉर्पोरेट लेवल पे पहुंच जाता है या एक बोलते हैं ना एक एंटरप्राइज लेवल पे पहुंच जाता है तो ब्रांड पोजिशनिंग और परसेप्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि आप लोगों तक पहुंचोगे, आप अपना मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हो, तो जो मेन मैसेज कन्वेइंग है वो डिजाइनिंग के थ्रू होता है. तो हर एक ब्रांड अपना एक परसेप्शन बना के चलती है जिसको उनको कन्वे करना होता है. तो करने के लिए उनको कलर स्कीम यूज करने होते हैं, फॉन्ट यूज करने होते हैं, टर्मिनोलॉजी भी होती है बहुत सारी. मतलब हर एक फॉन्ट के पीछे एक रीजन होता है कि ये फॉन्ट यूज कर रहा है. जैसे अमेजोन का लोगो ले लीजिए, तो उनका वही है ए टू जेड, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है, उन्होंने स्माइल बना दी है. तो उनका लोगो बहुत मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट लोगो है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वर्ट कर रहा है कि उनके पास ए से जेड तक सब कुछ है और वो अपने कस्टमर्स को खुश रखना चाहता है. ये आपने सही बात की. तो मेरा अगला सवाल यही था कि आपके मतलब 2-3-4 फेवरेट लोगोज ऐसे कौन से होंगे और उसमें मतलब क्या क्या प्रोसेस और क्रिएटिविटी डाली गई होगी वो आउटपुट लाने के लिए, तो आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? जैसे आपने अमेजोन के बारे में बताया अभी. हाँ, सो बेसिकली अमेजोन है एक. फिर मुझे अपनी खुद की ब्रांड का लोगो बहुत पसंद आता है, इलस्ट्रेट का. सो बेसिकली हम लोग का जो आई अगर लोगो हुआ तो आप यहाँ पे डाल सकते हो. तो आई डबल एल जो है तो वो पेंसिल को रिप्रेजेंट करता है जो कि क्रिएटिविटी को दर्शाती है. पेंसिल इज यूज फॉर क्रिएटिंग थिंग्स. सो हमारा बेसिक परसेप्शन वही था कि हमें चीजें बनानी है और क्रिएट करना है. और इसके पीछे एक और रीजन है कि हम तीन पार्टनर्स है, तो ये तीन जो पॉइंट्स बताए गए हैं उसमें इलस्ट्रे के लोगों में, तो वो तीनों हम तीनों इंडिविजुअल को डिफाइन करते हैं. फिर और लोगों में तो मतलब मुझे पेप्सी का भी लोगो बहुत पसंद आता है. मतलब वो उसमें दो कलर के शेड्स दिखाए गए हैं, मतलब दो चीजें मिल रही है. फिर कोको कोला का लोगो भी बहुत ही अच्छा है. मतलब उन्होंने तो बहुत ज्यादा लोगो चेंज किए. अभी रिसेंटली एक ब्रांड ने अपना लोगो अपडेट करा है, उसके लिए उन्होंने बहुत हैवी फीस दी है. मतलब ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है. ब्रांड नेम इज ये कैडबरी, अभी काफी फिलहाल न्यूज में भी रहे थे. तो मैं ज्यादा कंट्रोवर्सी में तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आपका कोरोना बियर के बारे में क्या कहना होगा? देयर ब्रांड हैज टेकन अ बिग हिट बिकॉज़ ऑफ दिस कोरोना वायरस, तो आपका क्या कहना होगा अभी? इज देयर अ नीड फॉर देम टू रीलुक एट द होल ब्रांड एंड द नेम? सो नहीं, उन लोगों ने कुछ लीगल एक्शन तो लिए है, बट बोलते हैं ना, बट कुछ कर नहीं सकते. अभी उनको इतना लॉस हो गया है तो दे कैन नॉट रिट्रीव देम. मे बी उन लोग अपना नया प्रोडक्ट डालेंगे सब्सिडरी बना के, दिस कैन बी डन. बट क्योंकि ब्रांड का वो नाम तो गया, क्योंकि लोगों के दिमाग में वो परसेप्शन बैठ ही गया है, तो उनका कुछ हो नहीं सकता. मेरे हिसाब से रीब्रांडिंग करनी चाहिए उनको, कुछ और नाम या कुछ और वर्ड के साथ आना चाहिए. बिल्कुल, ऑलरेडी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हो चुका है लोगों के दिमाग में. कोरोना देखेंगे तो दे विल फियर, क्योंकि हर किसी को नहीं पता है ना ये अलग चीज है. नहीं, एब्सोल्युटली, आई मीन बहुत अनफॉर्चूनेट ऐसी चीज है. बहुत सारे ब्रांड्स को ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना पड़ा है.
जैसे रिसेंटली मैगी के ऊपर बहुत लोगों ने इल्जाम लगाए थे कि दे आर हैविंग लीड इन लाइक लीड की मात्रा बहुत ज्यादा है. सो दे डिड नॉट गिव अ लाइक लीगली सारी चीजें की और अपनी ब्रांडिंग को बनाए रखा, जो मार्केट पोजीशनिंग थी उसको बनाए रखा. तो वो हर एक ब्रांड नहीं कर पाती है, जो पोजीशनिंग मेंटेन करनी होती है या कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज आ रही है तो वो करना एक बोलते हैं ना एक आर्ट है कि ब्रांड डैमेजिंग को कैसे बताए या अपने ऑनलाइन रेपुटेशन को कैसे बनाए रखे, क्योंकि इसके भी लोग मतलब इस पे ध्यान नहीं देते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आपका बिजनेस मतलब जीरो से बोलते ना आप अमीर कभी भी बन सकते हो, पर आपने अपनी ब्रांड की पोजिशनिंग और उसकी जो मेन आपका मोटो है उसको बराबर से लोगों को बताया. नहीं, बिल्कुल सही है. एक और एग्जांपल मैं जो मैं जानता हूँ, जॉनसन एंड जॉनसन भी है, जिनको बहुत यू नो डिफिकल्टीज और चैलेंजेस आए क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स में भी देयर वर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट यू नो सर्टेन इंग्रेडिएंट्स जिससे कैंसर हो सकता है. तो दे रीवर्क्ड एंड रीवैम्प्ड द होल स्ट्रेटजी एंड यू नो गॉट थिंग्स बैक इन प्लेस. तो मतलब मेरा अगला सवाल ये होगा आपसे, यू स्पोक अबाउट लोगोज, जो क्रिएटिविटी उसमें मतलब जाती है टू गेट द आउटपुट. तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में डिजाइनिंग का क्या महत्व है? आई मीन आई नो देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ इम्पोर्टेंस, बट जब आप एंड टू एंड एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें डिजाइनिंग का क्या महत्व होता है? सो लाइक मेरा कहना ये है कि नो लाइक यू कैनॉट मार्केट एनीथिंग विदाउट ए गुड डिजाइन. लाइक लोग बोलते हैं कि बुरी डिजाइन बहुत महंगी पड़ सकती है. लाइक लोग कभी कभी मैं लोगों को देखता हूँ कि अच्छी इफ समवन इज चार्जिंग लाइक देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश इफ यू फील गुड डिजाइन इज कॉस्टली देन थिंक ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए बैड डिजाइन. मतलब एक अच्छी डिजाइन अगर आपको महंगी लग रही है तो आप बुरी डिजाइन का कॉस्ट सोच लो क्या होगा. मतलब आपके पूरे मार्केटिंग कैंपेन में अगर वो बुरी डिजाइन चली गई है तो आपका पैसा वेस्ट चले जाएगा. सो मतलब मार्केटिंग में जो मैसेज कन्वेइंग होती है, जो सारी बातें बोलनी होती है कि आपको ये बेचना है. फॉर एग्जाम्पल आप सेल कर रहे हो तो आपका पहला क्रिएटिव बहुत अच्छा होना चाहिए, जो लोगों को पिच करेगा या जिस पर आप एड रन करने वाले हो, जो मैसेजिंग करेगा लोगों को कि ये हमारी चीज है, दिस इज अवर प्रोडक्ट and these are the benefits. So, वो फिर कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो है, इमेज है, फिर वो प्रोडक्ट के डायरेक्ट बाय तो करेगा नहीं फेसबुक से या कहाँ से, तो वो एक लैंडिंग पेज पे आएगा. तो वेबसाइट की UI भी बहुत इंपॉर्टेंट, यूजर इंटरफेस है, वेबसाइट की स्पीड है, काफी सारे फैक्टर्स है. नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं भी डिजिटल मार्केटिंग में हूँ तो मुझे इसका महत्व बिल्कुल पता है. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड आई एम श्योर आपने जो बातें अभी कही हैं उससे अपने व्यूअर्स को भी मतलब इन्फ्लुएंस होगा व्हाई यू नो डिजाइन इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग एन एंड टू एंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी. मैंने देखा कि पीपल डोंट पे गुड अमाउंट ऑफ मनी टू डिजाइनर्स बिकॉज दे थिंक कि कुछ भी डिजाइन होगा चलेगा, कॉन्टेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट द वे यू रिप्रेजेंट योर कॉन्टेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट. नहीं बिल्कुल, आजकल मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे फॉर माय ओपिनियन तो मैं यही कहूँगा कि विजुलाइजेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दीज डेज. आई मीन आपका कंटेंट अगर ज़्यादा टेक्स्ट हैवी हो जाता है तो पीपल डोंट लाइक इट. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिप्रेजेंट योर ब्रांड इन द राइट वे. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर कॉन्टेंट यू क्रिएट हैज़ द राइट यू नो डिज़ाइन क्वालिटीज़. तो आपने बिल्कुल मतलब ये सब सही बातें आपने बताई हैं. तो आगे बढ़ते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी जो मार्केटिंग में बहुत हेविली हम लोग जो यूज करते हैं कि कंटेंट इज द किंग. अभी हम कंटेंट के बारे में बात कर रहे थे तो अगेन कंटेंट और डिजाइन गोज हैंड इन हैंड अगेन. तो हाउ डज वन यू नो मेक सक्सेसफुल कंटेंट विद गुड डिजाइनिंग? तो थोड़ा आप बेस्ट प्रैक्टिसेस बता सकते हैं इसके बारे में? सो मतलब एक यूनिफॉर्मिटी रखनी चाहिए. मतलब आप अगर कंटेंट बना रहे हो, आपका ब्लॉग है या तो आप सोशल मीडिया क्रिएटिव बना रहे हो, तो एक यूनिफॉर्मिटी आपको एक बरकरार रखनी पड़ेगी. लोग अगर ये क्रिएटिव देखे तो उनको याद आना चाहिए कि दिस क्रिएटिव बिलोंग्स टू दिस ब्रांड. फॉर एग्जाम्पल अमूल, सो दे यूज दैट डॉल इन देयर एवरी सोशल मीडिया क्रिएटिव. और मतलब हर एक ब्रांड का एक USP होता है या एक कलर स्कीम होती है. जैसे मैकडॉनल्ड्स ले लीजिए आप, दे विल यूज रेड एंड येलो एंड the character which the McDonald character. So वो चीज़ उन लोग बार बार यूज करेंगे. तो एक brand color हो गया, perception हो गया, font style, typography बहुत important factor है. मतलब आप अपनी typography को अगर बार बार change करोगे तो लोगों को समझेगा नहीं कि is this a brand or what. मतलब एक typography fix हो जाती है कि आप अपने website पे ये typography use करेंगे, अपने
लैंडिंग पेज पे ये रहेगा, सोशल मीडिया पे ये टाइपोग्राफी रहेंगी, एक यूनिफॉर्मिटी मतलब एक प्लान बनता है ईयरली, मतलब वो ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है, ईयरली प्लान होते हैं या तो मंथली प्लान होते हैं, मतलब किस चीज मतलब बोलते हैं हम अपना कॉन्टेंट कैसे मार्केट में आउट करेंगे, तो उसके पीछे एक मंथ पहले से ही ये कॉन्टेंट बन जाता है. हाँ बट एट द एंड ऑफ द डे दे कीप सम टाइम फॉर मिनट मार्केटिंग, जैसे कुछ इवेंट हो रहा है या कुछ एक्टिविटी, जैसे रिसेंटली ये स्विगी का बंदा फेमस हुआ था, स्विगी या जोमेटो आई डोंट नो, द स्माइलिंग बॉय. सो उसके ऊपर बहुत लोगों ने मिनट मार्केटिंग बनाया, मतलब हर ब्रांड ने एक मार्केटिंग कैंपेन चला लिया था. जैसे अभी कोरोना के ऊपर, सो इफ यू आर नॉट अवेयर लाइक रिसेंटली डेटॉल ने और लाइफ बॉय ने कैंपेन चलाई थी टिकटॉक के ऊपर रिगार्डिंग द कोविड 19. सो दे स्पेंड अराउंड 1 crore रुपीज इन 7 days टिकटॉक के ऊपर एड्स के लिए. सो द मैसेजिंग वॉज के लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि लाइफ बॉय इज नॉट सेलिंग देयर ब्रांड, उन लोग बोल रहे कि कोई भी साबुन यूज करो, सो दिस इज द ब्रांड पोजिशनिंग. तो इनको ये फ्यूचर में यूज आएगा कि इन्होंने अपने बेनिफिट नहीं देखे, अपना सेल्स नहीं देखा. नहीं बिल्कुल, मैंने भी वो लाइफ बॉय वाला एड बिल्कुल देखा है और मेरा भी मतलब ओपिनियन यू नो आपसे, मैं भी आपसे सहमत हूँ इसी बारे में, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली यू नो हॉरिजॉन्टली सारे ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप लाइफ बॉय ही इस्तेमाल करें. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच इन ड्यूरिंग दीज चैलेंजिंग टाइम्स. एंड यू नो ऐसे ही जो ब्रांड होते हैं जो हु एक्चुअली अंडरस्टैंड द मार्केटिंग लैंडस्केप, दीज आर द ब्रांड्स व्हिच एक्चुअली सॉर्ट ऑफ सक्सीड, जैसे कि आपने कहा. सो और कंटेंट के पार्ट में जब मैं लाइक आई जस्ट थोड़ा टॉपिक से गया था मैं साइड में, क्योंकि द एग्जांपल वाज वेरी गुड. सो बेसिकली कंटेंट में टाइपोग्राफी हो गया एक, तो बेसिकली मैंने जैसे बताया, फिर फॉन्ट स्टाइल, फिर एक बैलेंस होता है. जैसे आप इतनी इमेजेस, जैसे आप ब्लॉग लिख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसमें आप मिनिमम 2 to 3 इमेजेस यूज करो, स्क्रीनशॉट यूज करो, तो वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली और यूजर रीडेबल हो जाता है. और यू कैन डू वन मोर थिंग, यू कैन गेट ए वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, लाइक सेम का आपको हर टाइम, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर दम वीडियो प्रोड्यूस करते बैठो या कुछ वीडियो बनाते, तो आप किसी का वीडियो ले लो, वो वीडियो को आपकी वेबसाइट पे एम्बोस कर दो. सो वो क्या होगा ना कि उसकी उसका वीडियो आपके लोग देखेंगे तो वहां से उसको ट्रैफिक जाएगी. तो यू कैन ईमेल देम बैक एंड से लाइक, हे आई हैव लिस्टेड योर वीडियो ऑन माय ब्लॉग, कैन यू प्लीज लिंक माय व्हाट टू से ब्लॉग पोस्ट इन योर डिस्क्रिप्शन. तो वहां से इंटरलिंकिंग भी हो जाएंगी और कॉन्टेंट बहुत रीच हो जाएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा. टेक्स्ट में आपने सब लिखा है, स्क्रीनशॉट डाले हैं, प्लस वीडियो एम्बोस किया है, सो यूजर आपकी वेबसाइट को छोड़ के नहीं जाएगा, बाउंस रेट बहुत कम हो जाएंगी. नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं आपके. तो आगे बढ़ते हैं और मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, आप फाउंडर हैं 2 कंपनीज के, एक इलस्ट्रेक है और एक थ्रिनियंस, am I pronouncing that right? Yes. हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे क्या है 2 कंपनीज. सो बेसिकली लाइक बेसिकली हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2015 में. सो आई एम नॉट द ओनली फाउंडर, मेरे 2 स्कूल फ्रेंड्स है, सत्यांश तिवारी एंड प्रकाश श्रीवास्तव. सो बेसिकली हम लोग तभी 11th 12th में थे, और बोलते ना हर किसी के मन में वो होता है कि कुछ करना है, बिकॉज वी बिलोंग टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली. तो हम लोग को ऐसा था कि फेमस होना है, पैसे चाहिए. सो बेसिकली तब उतना कुछ पता नहीं था, तो वी वर लाइक इनिशियली 6 फ्रेंड्स हु स्टार्टेड ए वेबसाइट नोन एज लाइक noisetone.com. वहां पे बेसिकली वॉट वी वर डूइंग इज हम लोग म्यूजिक डालते थे, sounds.pk, जो इनलीगल वेबसाइट होती है ना, तो वहां से हम लोग म्यूजिक डाउनलोड करके मतलब यूआरएल कॉपी करके हमारी वेबसाइट पे डालते थे, और बेसिकली वहां पे ट्रैफिक आता था, मतलब अलग अलग जगह से ट्रैफिक आता था, दिन का 5,000-6,000 ट्रैफिक होता था. बट देन वी लेटर ऑन रियलाइज के विदाउट टेकिंग कॉपीराइट्स और द लीगल व्हाट टू से डॉक्यूमेंट्स, मतलब लीगल परमिशन फ्रॉम दोस म्यूजिक कंपनीज, वी कैन नॉट रीसेल देयर प्रोडक्ट और देयर म्यूजिक. सो वी रियलाइज दिस इन आवर 10th स्टैंडर्ड, और हमने वो वेबसाइट बंद कर दी. सो मतलब उनको पता चला कि ये इसकी कॉस्टिंग, मतलब मंथली कॉस्टिंग 1.5-2 lakh रुपए हमको उनको पे करनी होगी अगर हम लोग उनका म्यूजिक यूज करते या विदाउट लाइसेंस बोलते ना म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो वो हम लोग के लिए मतलब एक बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि हमको पता नहीं था, हमने मतलब पॉकेट मनी से पैसे बचा के स्टार्ट कर लिया था. फिर वो वेबसाइट बंद हुई, फिर वी स्टार्टेड अनदर वेबसाइट नोन एज introvenue.com. सो उसमें क्या ये हुआ कि एक रशियन हैकर ने वो वेबसाइट हैक कर ली. तब हमको वर्डप्रेस की सिक्योरिटीज के बारे में नहीं पता था, मतलब क्योंकि हम लोग 11th 12th में थे, तो इतनी नॉलेज नहीं थी, बट क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी. तो वेबसाइट हैक हो गई, तो हम लोग की टीम डिवाइड हो गई, 3 में बच गई.
So then we started with Seniors.com. Like we were having like around Diwali ki wo bolte hai na bakshish milti hai. So un logo ko mere partners ko paise mile the basically. So unhone paise jama kiye matlab kapde khareede matlab saste wale khareede thode. And then we buy this domain as Seniors.com. So Seniors ka matlab kya hai? It is taken from the cartoon Minions. So if you see that cartoon, they are very tech savvy and unko technology se bahut pyar hai. और वो हरदम काम पे लगे रहते हैं. सो वी वर वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट कार्टून एंड वी स्टार्टेड आवर ब्लॉग लाइक Seniors.com, जिस पे हम लोग इनिशियली वर्डप्रेस और एसईओ के बारे में टिप्स दे रहे थे, क्योंकि तभी हम लोगों ने नया नया वर्डप्रेस सिक्योरिटी के बारे में सीखा था, क्योंकि हमारी वेबसाइट हैक हुई थी. सो वी वर सो क्यूरियस, तो हम लोगों ने वर्डप्रेस सिक्योरिटी और जो लूपहोल्स होते हैं, SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, वर्डप्रेस पे कितनी सिक्योर वेबसाइट बनाई जा सकती है, काफी सारी चीजें मैंने सीखी थी. तो मेरे टीममेट्स ने और हमने सीखी थी, तो हम लोगों ने उस पर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चालू किया. तो उसमें से क्या हुआ कि वी वर मेकिंग दोस ब्लॉग इमेजेस, जिसके ब्लॉग के फीचर इमेजेस होते होंगे, मतलब आप कभी भी कोई ब्लॉग खोलते तो ऊपर एक फीचर इमेज आता है. तो वो इमेज एक यूके के बंदे को पसंद आ गया, सो ही ईमेल्ड अस कि हाय गाइस, यू डू लाइक रियली ग्रेट डिजाइनिंग स्टफ, डू यू डू इट फॉर अदर्स टू, लाइक कैन वी आउटसोर्स द वर्क टू. सो हम लोग ने वो डील हाँ की. So that guy was paying us $5 per creative. So that was our first earning online. Like, initially blogging, like when we started 3 years, so 6 months, there was no earnings. But we got earning from designing. So wo blog maine samne uske liye kuch 10 images banayi, to uska amount aaya. To hum log ke dimag mein idea aaya ki we can start doing the designing work until our blog give us the profit or the money which we want. So, हम लोग ने फिर लोकल क्लाइंट्स ढूंढे. द फर्स्ट क्लाइंट तो हम लोग को लाइक बाय गॉड ग्रेस हम लोग को आ गया वेबसाइट से. फिर हम लोग ने लोकली कुछ लोगों को अप्रोच किया, तो एक लोकल क्लासेस ने हमसे लोगो बनाया. सो अवर लोगो वॉज फॉर एरोमेटिक क्लासेस. सो दे आर अवर क्लाइंट, लाइक हम लोग उनकी मार्केटिंग और अब सारी चीजें हम लोग ही करते हैं. बट फिर हम लोग ने धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बनाया. फिर वी स्टार्टेड द वेबसाइट नोन एज इलस्ट्रिक, द ब्रांड नोन एज इलस्ट्रिक. सो इलस्ट्रिक के पीछे भी एक थिंक प्रोसेस है. So we have taken the name from Illustrator, Adobe का जो software है, so it is taken from Illustrator. So illustration करने वालों को Illustrator मतलब बोलते हैं ना, वो पूरा word के around घुमा के Illustrator नाम का एक unique word मिल रहा था, जिसका कुछ meaning नहीं होता. Seniors का भी कुछ meaning नहीं था, but हम लोग ने बनाया. So we started with Illustrator and now we are like a team of 15 members in Illustrator and Seniors, मतलब इतने teammates है, like they are employed. And we hopefully will launch our other product known as Presetly. Like the app, the website is live. We are giving, so to help the photographic community, we are giving the premium Lightroom presets for free. मतलब क्या होता है ना कि अगर आपको फोटो को एक अच्छा लुक देना है, एक अच्छा फील देना है, तो presets आपको यूज करने पड़ते हैं उसकी एडिटिंग के लिए बेसिकली. सो वो यूजुअली $35-40 के US में और UK में लोग बेचते हैं. तो फेमस फोटोग्राफर्स या वेबसाइट्स बेचती है वो. तो हम लोग एक ऐसा चीज बनाई है, मतलब लाइक देयर आर 40+ प्रीसेट्स वेबसाइट पे लाइव है, फ्री में है. सो वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दैट मार्केट एंड सून वी विल बी लॉन्चिंग अवर एडिटिंग ऐप सून. सो द ऐप नेम विल बी Presetly. बहुत बढ़िया मेहर. आई मीन आई हर्ड दिस, आई डिडंट नो अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में पता नहीं था. तो वेरी वेरी इंस्पायरिंग जर्नी दैट यू हैव. वो कहते हैं ना कि एडवर्सिटीज ब्रिंग आउट अपॉर्चुनिटीज, और वही मुझे यू नो दिखाई दे रहा है. एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू एंड योर टीम. कीप डूइंग दैट ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग. और इसी बात पे मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा ये दिखाने के लिए कि मैंने जो प्रोजेक्ट इलस्ट्रेट से कराया है वो कैसा दिखता है, और उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं भी अपने तरफ से कहना चाहूंगा. तो आपको स्क्रीन दिख रहा है मिहिर? या. तो ये जो आप देख रहे हैं ये दो लोगोज मिहिर के टीम इलस्ट्रेट ने डिजाइन किया है मेरे लिए. तो दोनों ही लोगों में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आई ऑलवेज हैड द इन्फैचुएशन टुवर्ड्स द कलर्स ऑफ रेड, ब्लैक एंड वाइट. एंड ये मैंने एक ब्रीफिंग में इनकी टीम को समझाया था, और एक ही ब्रीफिंग में इनकी पूरी टीम ये चीज समझ गई थी,
और इनके टीम को बस दो आइट्रेशन लगे ये दोनों लोगों को मतलब यू नो शेप देने में. जैसे कि आप पहला लोगो देखते हैं अ डे इन अ लाइफ ऑफ, इस लोगो में हम ये मतलब कहना चाहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ सेंस ऑफ इमोशन, एम्पैथी और एम्पावरमेंट. और अगर आप क्लोजली देखेंगे देयर इज द ऑफ कोर्स द कलर्स व्हिच आर यूज्ड इज ब्लैक एंड व्हाइट व्हिच ब्रिंग्स आउट द बैलेंस. Red is more about passion, so that brings out emotion into the picture. You can also, you know, if you look at it very closely, you know, it looks like a sun, which is more about, you know, bringing out empowerment and power and strength. And if you look a little closely also, it gives you, aapko moon ki tarah bhi thoda dikhega. So, agar aap is logo ko closely dekhenge, isme itna badhiya creativity kiya gaya hai. And the output has come out really well. I really loved it within the second iteration. Or agar aap right side mein dekhenge, let's make things happen. Ye ek aur logo, which again, isme emotional connect hai. The idea of this logo was to ignite the power of knowledge. That is why you see a tagline called as Illuminating Minds. Primarily, इस लोगो का मतलब फंक्शन ये है विद इन 505 सर्कल. इसमें हम लोग कोर्सेज के बारे में बात करते हैं, डिजिटल कोर्सेज, एंड वी बिलीव इन एनेबलिंग पीपल, यू नो, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म एंड गिविंग पीपल द नॉलेज. और उसी के अंदर हम लोग वी ऑल्सो हैव अ सेक्शन फॉर कॉजेज. तो 505 सर्कल हम लोग वी सपोर्ट सेवरल डिफरेंट कॉजेज एंड वी बिलीव इन ब्रिंगिंग आउट लीडर्स हु सपोर्ट दीज कॉजेज एंड यू नो गिव देम दिस प्लेटफॉर्म सो दैट दे कैन इंस्पायर अदर्स टू सपोर्ट दोज कॉजेज. तो अगर आप इस लोगो को क्लोजली देखेंगे, अगेन इसमें कलर्स का जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था, ब्लैक, वाइट और रेड बिल्कुल यूज किया गया है. अगर आप देखेंगे द लेटर एच जैसे बनाया है, उसमें यू विल सी अ सेंस ऑफ लव, इमोशन, कंपैशन, और बीच में यू नो देयर इज अ सर्कल व्हिच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल. सो इट्स अबाउट अ होल वर्ल्ड ऑफ एवेन्यूज, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर एक्चुअली अवेलेबल. सो दैट इज व्हाट दिस एक्चुअली रियली डिपिक्ट्स. तो देखेंगे तो मेरा मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इट जस्ट टुक देम two iterations to give me this kind of an output and just one briefing. So the turnaround that Illustric actually gives is really amazing. They are a bunch of guys who understand creativity really well. They are a bunch of guys jinko designing ke bare mein bahut deep knowledge hai. Unko schematics, color, you know, kaise emotion ko bahar lana hai. They understand that really well. So, you know, my heartfelt gratitude and appreciation for the team who actually worked and brought, you know, both these logos to life. So, thank you, Mir, for this. और आप Illustrate के लोगों के बारे में बात कर रहे थे, वो आपके सामने हैं. अगर आपको थोड़ा इसके बारे में बताना है आपकी तरफ से तो आप बता सकते हैं. So, you can just, मतलब ILL तक ही देखिए, तो उतना हम लोग जो आइकॉन यूज करते हैं हर जगह पे, तो बेसिकली वो एक पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ यू वॉच इट क्लोजली, लाइक पेंसिल के तीन साइड्स बना गया है. ऊपर जो एक ट्रायंगल है वो, और नीचे तीन डंडियां मिलके पेंसिल बन रही है. तो बेसिकली ये तीनों डंडी हम लोग ही है, लाइक बोलते ना द थ्री फाउंडर्स, पेंसिल प्लस द थ्री फाउंडर्स. बेसिकली प्रखर इज द ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद ए ग्रीन डॉट बिकॉज ही इज वेरी क्रिएटिव, एंड मी एंड सत्यांश आर जस्ट होल्डिंग इट बैक. तो इससे यही पता चलता है कि यू नो देयर इज सो मच ऑफ क्रिएटिविटी, एवरी लोगो हैज समथिंग टू कन्वे. और इससे यही पता चलता है कि देयर इज अ मैसेज बिहाइंड एवरी, देयर इज अ मैसेज बिहाइंड एवरी लोगो. ब्रिलियंट ब्रिलियंट मेहर, कांग्रेचुलेशंस. ये यू नो आपकी कंपनी ऑलरेडी इज यू नो गोइंग ऑन अनदर लेवल ऑल टुगेदर. आई कांग्रेचुलेट एंड विश यू दैट यू एक्चुअली एक्सेलरेट इन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड यू नो यू एक्चुअली स्प्रेड द नॉलेज ऑफ यू नो ब्रांडिंग, डिजाइनिंग एंड यू नो लोगो क्रिएशन टू मेनी मोर पीपल. आई होप आई गेव यू द प्लेटफॉर्म ऑफ यू नो एनेबलिंग यू नो अ फ्यू ऑफ द पीपल, मे बी योर ऑडियंस इज माई ऑडियंस, इज टू अंडरस्टैंड वॉट really goes on into designing a logo. So with that, I'll just quickly stop sharing and I just have mere paas do aur sawal hain before we sign off. So I stopped bahut zyada hindi boli, like really great. Haan, main usually aap itna hindi bolte nahi ho.
तो मैं भी सीख रहा हूँ यार आपसे थोड़ा बहुत, मतलब इंस्पिरेशन लेके मुझे भी थोड़ा बहुत सीखना है. यू नो आई वांट टू कन्वे और आर्टिकुलेट करना है हिंदी में, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है एंड वी नीड टू ब्रिंग दैट आउट, यू नो दिस काइंड ऑफ अ मैसेजिंग टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. तो वही मेरा उद्देश्य है. तो विद दैट इन माइंड मेरे पास दो और सवाल हैं आपके लिए. ये जो हमने लोगों के बारे में जो दो लोगोज आपने क्रिएट किए, What is a step-by-step process which is actually involved in creating those logos? थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं? So basically, मतलब एक हमने list of questions बना रखे हैं, जिससे हमको client का mindset पता चलता है. पहले तो we educate the client. So basically हम उनको बताते हैं कि कितने type के logos होते हैं and उनको एक उनको पहले decide करने देते हैं कि कौन सा type का logo उनके brand के लिए बोलते हैं ना appropriate रहेगा. If they are not able to decide, then we educate them more. So there are 7 types of logo. तो उनके ब्रांड के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे हिसाब से वी विल सजेस्ट देम. देयर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, लाइक वी हैव अराउंड 15 टू 12 क्वेश्चंस. सो फर्स्ट विल बी लाइक व्हाट इज योर ब्रांड नेम, व्हाट इज योर ब्रांड इनटू इंडस्ट्री, क्या है आपके ब्रांड की इंडस्ट्री क्या है, फिर आपको कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है. फिर वी विल आस्क व्हाट इज द ब्रांड टैगलाइन, लाइक हर एक ब्रांड के पीछे एक टैगलाइन होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रिक इज द ब्रांड, सो द टैगलाइन इज गेट योर ड्रीम्स डिजाइन. So basically the concept behind the tagline is like वो brand को brief कर देता है कि brand का vision क्या है या वो brand चाहती क्या है. Tagline हो गया. फिर font style बहुत important factors है, क्योंकि mostly brands don't concentrate on the font style. So there are free fonts as well as paid fonts available on Google. So we share the list of fonts which are available on Google and client can select it or either we suggest the client. So दोनों possibilities, because क्या होता है ना, ये दोनों का मतलब क्लाइंट की फीलिंग्स है वो हमें एक्सप्रेस करवानी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. क्योंकि कहीं भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो मैसेज शायद रॉन्ग कन्वे होगा, तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है. फिर उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, क्योंकि इफ यू आर लाइक जो इंडस्ट्री है, समझो कि एल्कोहल इंडस्ट्री है, तो वी कैन नॉट मेक ए पिंक कलर लोगो फॉर एल्कोहल इंडस्ट्री. वहां पे कलर स्कीम जाती है, हर एक इंडस्ट्री का कलर स्कीम हो गया है, मतलब डिफाइन हो गया है. And you cannot, बोलते ना, हिला नहीं सकता उस चीज को, क्योंकि there are some terminologies या some terms मतलब बन चुके हैं, तो उनको हटा नहीं सकते. There can be a brand which has a completely different look, but then they are spending too much money to convey the message. For example, like if you are like into tech, you should try to use blue color, क्योंकि trust का factor है और technology का ये है, color है. For example, if you are into food industry, orange, red, yellow, तीन कलर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, या इनके अराउंड ही सारी ब्रांड्स घूमती है, तो हर एक कलर का एक वो होता है, इम्पोर्टेंस होता है, तो उसको कन्वे कराना है. तो हम लोग उनको वो भी बताते हैं कि ये कलर्स है, उसके इम्पोर्टेंस ये है और ये कलर्स ये चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. तो वी हैव दिस इमेज, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, यू कैन एम्पोज द इमेज ऑन द वीडियो. तो हर एक कलर का इम्पोर्टेंस और वो क्या कन्वे करता है, वो फैक्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है. फिर हम लोग उनसे ये भी पूछते हैं कि बेसिकली आपको कितना वर्ड का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि उनको एक ही टर्म हाईलाइट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इनिशियल लेटर एन है, एस है, जो भी, वो हाईलाइट करना होता है, क्योंकि मोस्टली ब्रांड्स वैसा करती है, या उनको एक अलग से मैस्कॉट चाहिए होता है, तो वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में पूछते हैं. फिर एक बार उनका क्वेश्चनियर आ जाता है, मतलब जो क्वेश्चन की लिस्ट हमने उनको बना के दिया है उसके रिस्पॉन्स आ जाएंगे. देन वी विल लाइक हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, पूरी टीम साथ में बैठती है. अभी तो मतलब लॉकडाउन की वजह से पॉसिबल नहीं है, देन टू वी ट्राई टू डू स्काइप कॉल और मे बी जूम कॉल, जो भी पॉसिबल है. तो हम लोग साथ में बैठ के बात करते हैं कि ये चीज है, क्योंकि डिजाइनिंग का एक स्टेप प्रोसेस है. पहले क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है या क्या विजन है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीजें चाहिए. तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आ गए हमारे पास, इंस्पिरेशन आ गए, मतलब उनके कॉम्पिटिटर्स के लोगो आर इंस्पिरेशन फॉर अस. तो वो सारी चीजें इकट्ठा करके वी स्टार्ट ड्रॉइंग. ड्रॉइंग करने के बाद कभी कभी क्या होता है कि आपके लोगों के लिए बहुत कम टाइम लगा था, क्योंकि योर स्टेटमेंट वॉज क्वाइट क्लियर कट, लाइक आपको क्या चाहिए था, आपका विजन आपको क्लियर था, बट मोस्टली क्लाइंट को विजन क्लियर नहीं होता, तो वी हैव टू गिव देम ऑप्शन. तो हम लोग उनको डेमो बना के देते हैं, फिर वी टेक द फीडबैक एंड वी कीप ऑन इम्प्रूविंग द थिंग्स अंटिल वी रीच द फाइनल गोल.
नहीं, एब्सोल्युटली. आई मीन जो आपने मतलब फ्रेमवर्क सेट किया था मेरे लिए भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था. एंड जैसे कि आपने कहा, आपकी आपके जहन में अगर आपका विजन अगर है, आपको पता है क्या करना है, इफ दैट इज क्लियर इन योर माइंड, फिर बाकी का काम थोड़ा बहुत मतलब आसान हो जाता है इन टर्म्स ऑफ आर्टिकुलेशन. बाकी मुश्किल काम हम आप पे थोप सकते हैं, एंड यू कैन देन मे बी यू नो टेक दैट एज अ चैलेंज एंड यू नो बिल्ड दैट लोगो आउट फॉर अस, दैट ड्रीम लोगो आउट फॉर अस. तो मेहर, एक एक मे बी कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस. अभी लॉकडाउन टाइम है, बहुत ही मतलब सिचुएशन मतलब थोड़ा बहुत सुधर रहा है इंडिया में हाल फिलहाल, तो मतलब ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन केसेस तो अभी भी बढ़ रहे हैं. लेकिन लॉकडाउन तो थोड़े दिन चलेगा मेरे हिसाब से. तो आपका क्या कहना होगा, मतलब जो एस्पायरिंग ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, डिजाइनर जो डिजिटल मार्केटिंग में घुसना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में घुसना चाहते हैं, जिनको डिजाइनिंग में पैशन अगर है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, मतलब कैसे कोर्सेज उनको अगर यू नो करने चाहिए एनेबल करने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ आपके पास एडवाइस है? सो मेरे हिसाब से है ना फुल मतलब हम लोग ने भी यूट्यूब से सीखा, टू बी फ्रैंक हम लोग ने यूट्यूब से सीखा है, एंड यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल, इट इज द नेक्स्ट बोलते ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, बट आपके पास राइट माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट और द डूएबिलिटी, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है दे बाय सर्टेन कोर्स एंड दे नेवर कंप्लीट इट. मतलब क्या होता है कि दे विल स्पेंड बोलते ना $1,000 या $100 टू बाय ए कोर्स एंड आधे पे छोड़ देते हैं, दे डोंट कंप्लीट द थिंग. 80% लोगों के साथ यही होता है, दे विल बाय कोर्स दे विल नेवर प्रैक्टिस. सो पहले तो एक चीज अपने लाइफ में फिक्स कर लो कि आपको करना क्या है, यू रियली वॉन्ट इट. मतलब बोलते ना अपने आप से ये क्वेश्चन करिए कि हाउ बैड यू वॉन्ट इट, लाइक कितने कितना चाहिए आपको वो, अगर आपको चाहिए तो आप करोगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता. तो देर आर फ्री कोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, देर आर फ्री कोर्सेज अवेलेबल ऑन वेरियस साइट. सो रिसेंटली द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैज गिवन द फ्री कोर्स फॉर डिजाइनिंग, एडयूमी पे भी काफी ऑफर्स चल रहे हैं, फिर जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हर एक पे फ्री ये चल रहे हैं. एंड इफ यू वॉन्ट टू लाइक आफ्टर द लॉकडाउन इफ यू वॉन्ट टू लर्न ऑफलाइन, सो अरीना इज द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, अरीना मैक, they are the two leading institutes in India, and there are some colleges like I don't remember the name, but I think there is a college in Ahmedabad who like is specialized in the arts thing. Mica was basically Madhura Institute, I think so, yeah. No, it is in Ahmedabad. Acha. So they are quite famous into the designing thing. So there are degrees to become a designer. India mein log itna seriously nahi le rahe abhi bhi. So they are learning from private institute, but there are government authorized bodies like institute hai jahan se aap designing seekh sakte ho. Matlab designing matlab ye nahi hota ki kuch color liya kuch mix kar liya ho gaya design, aisa nahi hota. Uske piche thought process hota hai, uske piche har bolte na har ek cheez ka balance hona chahiye, itna matlab uske liye rules hote hai, matlab designing ke liye bahut sare rules hai, methodologies hai. कि आप अगर ये वाला फॉन्ट यूज करते हैं, मतलब मोस्टली लोग लेमेन मतलब बोलते हैं ना कॉमन लोगों को इतना पता नहीं है कि इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस आती है. तो देयर आर इंस्टीट्यूट मतलब यूएस, यूके, रशिया में, जर्मनी, अगर आपको डिजाइनिंग सीखनी है तो यू कैन गो अब्रॉड ऑल्सो, वहां पे बहुत अच्छे लेवल पे सिखाते हैं. और इंडिया में इंस्टीट्यूट्स की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, तो आप जब भी वीडियो पब्लिश करोगे तो वहां पे ऐड कर सकते हो. हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा बिल्कुल. अगर और भी कोई मतलब लिंक्स वगैरह होंगे तो यू कैन हैंड इट ओवर टू मी. श्योर. तो मैं मतलब एडोब इलस्ट्रेटर, मैं सॉफ्टवेयर के भी नाम बोल देता हूँ, एडोब इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, एडोब एक्सडी है जो यूआई के लिए बहुत ज्यादा काम आता है. तो ये एडोब के जो सॉफ्टवेयर है. फिर अगर आपको नॉर्मल डिजाइनिंग सीखनी है, लाइक यू वॉन्ट टू अर्न, लाइक यू जस्ट वॉन्ट टू सर्वाइव विद द डिजाइनिंग थिंग, then you can learn Corel Draw. So Printmedia जो local printers होते हैं, तो वहाँ पे Corel Draw बहुत ज़्यादा use होता है India में और बहुत mass production में. So वैसे designers की भी demand बहुत ज़्यादा है. मतलब if you are not good at like the creative process, you can be that kind of designer. बहुत बढ़िया मेहर. तो आखिरी सवाल मेरे मेरे शो में हमेशा मैं एक आखिरी सवाल जो मेरा होता है वो स्टैंडर्ड सा सवाल होता है. एक सक्सेस मंत्र जो अपने ऑडियंस को आप दे सकते हैं जिससे वो इंस्पायर और मोटिवेटेड रहें, स्पेशली ऐसे सिनारियो में जहाँ पे चैलेंजेस इतने सारे हैं हमारे सामने. तो कुछ इंस्पिरेशनल यू नो मंत्र अगर आप दे सकते हैं ऑडियंस को जिससे यू नो वो पेप्ड अप रहें यू नो और मोटिवेटेड रहें. मैं तो यही कहूँगा कि सब कुछ ईजी अगर तुम उसके साथ बिजी हो.
बहुत सिंपल चीज है, मतलब अगर आप किसी चीज में लगे पड़े हो तो वो चीजें इजी हो जाएगी। मतलब आपको बोलते ना एडिशनल स्किल सेट्स की, या बोलते ना एक खाली आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट ही मेन चीज है बंदे को कहां तक बोलते सक्सेस तक पहुंचाने के लिए। तो हरदम आप अगर कोई चीज करना चाहते हो तो उसके साथ बिजी हो जाओ, सक्सेस अपने आप आ जाएंगी। बहुत बढ़िया मेहर, बहुत यू नो उम्दा यू नो इंस्पिरेशनल यू नो स्टेटमेंट रहा आपका। थैंक यू सो मच 505 अड्डा में आने के लिए। बहुत ही अच्छा कॉन्वर्जेशन था, पहली बार मेरे लिए हिंदी में, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी, होपफुली आपके लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस था ये। बहुत अच्छा रहा, मतलब हिंदी में, लाइक मुझे इंग्लिश आती है, मतलब मुझे गुजराती आती है, मुझे काफी लैंग्वेजेस आती है, बट हिंदी इज लाइक हर किसी को समझ में आती कम से कम। The broader audience, मतलब साउथ की, मतलब साउथ में you have to speak English, but the North India या तो बोलते ना जो the upper area of the country है, वहाँ पे हिंदी काफी अच्छी चलती है। तो हिंदी is the common language in many states, but we have to learn multiple languages because हर एक language के पीछे एक importance होता है, हर किसी की mother tongue important होती है। नहीं बिल्कुल, तो बिल्कुल वो important factor हो जाता है। मतलब मैं भी सीख रहा हूँ, मतलब थोड़ी साउथ की लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के क्लाइंट्स दे आर बोलते ना हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं। नहीं बिल्कुल, इट्स ऑलवेज बहुत ही जरूरी रहता है टू डाइवर्सिफाई और लिंग्विस्टिक स्किल्स जैसे कि बोलते हैं, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीप इंप्रूविंग, कीप लर्निंग मेहर, एंड कीप इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द 505 अड्डा। थैंक यू खुशागर। थैंक यू।